Hello friends, welcome back to my channel, and this is Santosh sir. And in this video we'll be talking about MCO 06 important questions along with their answers. And my dear friends, these are only suggestions, and aisa nahi hai ki sirf isko padh ke aap chale jaye. Whatever the study materials and other books you have, you must read them to secure good percentage of marks in the examination. Okay friends, so and one more request, that those who have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe, because you know you'll be getting some more useful videos on MCOM for your 100% preparation for the exams. Kyunki iske baad bhi continuously main videos abhi upload karne wala hu exams ke related. तो सब्सक्राइब करके रखिए, एंड ऑल्सो ये सब वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिट. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज द प्रोसेस विच हेल्प्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. एंड मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है. एंड मार्केटिंग के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं: कंज्यूमर नीड्स आइडेंटिफाई करना, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, एंड कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन. ओके, द मेन एम ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. ये सारे पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना है. देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज सेलिंग एंड मार्केटिंग, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 11 12 में भी आता है. एंड एज लाइक यू नो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट सेलिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का बच्चा है सेलिंग. एंड सेलिंग मीन्स यू नो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू कंज्यूमर, व्हाइल मार्केटिंग इज अ बिग प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड सर्विंग द कस्टमर्स. एंड सेलिंग द मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट्स, एंड इन मार्केटिंग द मेन एम इज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स. तो लाइक दैट डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं मार्केटिंग की, लाइक कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, ग्रेडिंग ऑल दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, देन कस्टमर सपोर्ट सर्विस, एंड लास्टली प्राइसिंग. उसके बाद भी है प्रमोशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग. तो लाइक दैट बहुत सारे फंक्शंस हैं मार्केटिंग के. ओके राइट, तो ये सारे फंक्शंस को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है. ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा. इसके पूरे एक्सप्लेनेशन है मेरे स्टडी नोट्स में. ओके फ्रेंड्स, ये स्टडी मटेरियल्स आप यू नो यू कैन परचेज बाय मैसेजिंग मी थ्रू टेलीग्राम चैनल. एनीवे, ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What is marketing management? Describe the different types of marketing concepts under which the business enterprise conduct. तो whenever friends हम लोग management की बात करते हैं, we always talks about four important functions of management, that is planning, organizing, directing and controlling. So marketing management refers to the functions of planning, organizing, directing and controlling, which helps in the movement of goods and services from producers to consumers. So it not only concerned with creating demand but also maintain it, and इस तरीके से यू नो यू कैन डिफाइन राइट अ लॉट अबाउट दिस. इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी आया था ये एग्जाम्स में. सो द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट्स और फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. नाउ देर आर फाइव फिलोसॉफीज: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मार्केटिंग, हाउ लाइक मार्केटिंग हेल्प्स इन प्रोडक्शन, हाउ इट हेल्प्स टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट, हाउ इट सेल हेल्प्स टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड्स, देयर टेस्ट प्रिफरेंसेस, फ्रेमिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एंड हाउ मार्केटिंग सर्व्स द सोसाइटी. तो वन बाय वन यू कैन यू नो डिफाइन ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज मार्केटिंग प्रोसेस से है. एंड देर आर बेसिकली फोर स्टेप्स इन मार्केटिंग प्रोसेस, दैट इज एनालाइजिंग द मार्केट एनवायरनमेंट, सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स, डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग. सो लाइक दैट ये सारे प्रोसेसेस को आपको डिफाइन करना है. उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, एंड इसका लाइक हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट.
Now, every business firm is affected by micro and macro environment. These are few micro environment जो directly affect करते हैं operations, business के operations को. And these are customers, suppliers, resellers, competitors and general public. तो ये सारे जो पांच factor हैं, जो main पांच components हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के, ये आपको डिफाइन करने हैं अपने आंसर्स में. ओके आगे बढ़ते हैं. मैक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट लाइक हाउ इट अफेक्ट्स द वर्किंग. बेसिकली यू नो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. मैक्रो इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द मार्केटिंग मैनेजमेंट. एंड इसमें ये मेन फाइव फैक्टर्स हैं लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नाउ इसको मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था इसको सॉल्यूशन, तो यू कैन वॉच फ्रॉम दैट. ओके आगे बढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. And when we talk about organizational market, we generally talk about, you know, industrial market. In this type of market, purchasing is done for business use only, right? And in consumer market, you know, ye basically it is our market where we buy goods and services. And in organizational market, purchasing is done in bulk, yani, you know, badi quantity mein purchase karte hain. वैल्यू ऑफ परचेज इज क्वाइट हाई, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. तो इस तरीके से आपको डिफाइन करने हैं. ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के, लाइक देर आर वेरी फ्यू बायर्स एंड बल्क परचेज इज देयर, प्रोफेशनल बाइंग इज देयर, ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन, डेराइव डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, लाइक दैट. नाउ दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, द इंडस्ट्रियल मार्केट, द रीसेलर मार्केट, द गवर्नमेंट मार्केट, द इंस्टीट्यूशनल मार्केट. ओके आगे बढ़ते हैं. वॉट इज मार्केटिंग रिसर्च, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च का डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. In simple words, it is a systematic investigation into the problem related to marketing and find its solution. तो बहुत ही simple definition है. And इसके main जो different types of marketing research, so these are the different types of marketing research. इसके अंदर market research, consumer research, product research, pricing research, advertising research, distribution research, sales research. इनको one by one आपको explain करना है. राइट, मार्केट रिसर्च में हम लोग मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं. कंज्यूमर रिसर्च में कंज्यूमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, उनका एजुकेशन लेवल, लाइक दैट. प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, प्राइसिंग के बारे में, सो लाइक दैट. बहुत ही इजी टॉपिक है, तो वी कैन डिफाइन दिस. आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में. अब यहाँ पे फाइव प्रोसेसेस हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम्स में आता है. Marketing research process consists of five steps. What are those? First, identify the problem. Second, find the research design. Okay, select a proper design for research. Then collect data and then analyze the data. And then finally, prepare the report of the research. So like this, so we can define all this. इसके बाद में जो next question है friends, that is कंज्यूमर बिहेवियर को लेके है, बायर्स बिहेवियर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बायर्स बिहेवियर. नाउ बायर का बिहेवियर, लाइक हम लोगों का बिहेवियर कैसा होता है व्हेन वी परचेज ए गुड्स और सर्विस, तो वही यहाँ पे मेंशन करनी है आपको. इट रिफर्स टू द बिहेवियर दैट ए कंज्यूमर डिस्प्लेज इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस. ए कंज्यूमर ऑलवेज सर्चेज फॉर थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स. And therefore, the process of acquiring, consuming, and disposing goods and services. So these all factors come under the banner of this thing, buyer's behavior. Now, what are the factors that affect the buyer's behavior? First, psychological factors. Then we have personal factors, social factors, cultural factors. So like this, you can define all this.
Next question is, what are the different stages in buying decision process? एक बायर यानी हम लोग, वी आर ऑल कंज्यूमर्स, वी आर ऑल बायर्स, एंड बिफोर वी मेक अ परचेज, सो वॉट आर द स्टेप्स और स्टेजेस दैट वी जनरली गो थ्रू? सो बेसिकली दीज आर द फाइव स्टेप्स: प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और नीड अराउजल. दैट मीन्स फर्स्ट ए नीड, ए वॉन्ट, ए डिजायर अराइजेस इन आवर माइंड. देन वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस. देन वी इवेल्युएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स और यू नो the complementary and substitute goods which are available in the market. Then we purchase, actual purchase, and post purchase behavior also we show, like you know, like how satisfied we are after consuming a product or service. So like this you can define. The next question is, discuss the different methods used in positioning the product. Now first of all, let's try to understand what is this positioning the product. Now it means relating a product to the market. In simple words, it is a process of creating a clear image in the minds of consumers about a product or service. Okay, that means creating an impression in the consumer's mind. That is what is called positioning the product. आपको consumer को you know एक image बनानी है आपके product की. And ये है different methods to position a product in the market. First, comparative strategy, जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करती है, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करती है बाय एडिंग सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड सेगमेंटेशन में यू नो डिवाइड करती है. लाइक फॉर एग्जांपल, फेयर एंड लवली फॉर मेन एंड वुमन, दे आर सेपरेट. ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन डिफाइन ऑल दिस. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस इज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स? ये इजी क्वेश्चन है. एंड जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स जो यू नो कंपनीज इंडस्ट्रीज परचेज करती है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स में यू नो जो लॉन्ग लास्टिंग गुड्स, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में जो जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सर्विसेज. तो ये सारे चीज़ों को आपको डिफाइन करना है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का. एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मार्केटिंग मिक्स. इट इज़ अ सेट ऑफ टूल्स दैट अ फर्म यूजेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, एंड दिस टूल्स आर पॉपुलरली नोन एज 4 P's. नाउ 4 P क्या है? दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो ये चार, वेन इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन मार्केटिंग मिक्स, ये चार पॉइंट्स को आपको जरूर से डिफाइन करना है. एंड दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मिक्स जो एक कंपनी करती है, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्लेस के बारे में, प्रमोशन के बारे में. तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिसीशंस, जो स्ट्रेटजीज, वॉट एवर द कंपनी डज, सो दे ऑल कम अंडर मार्केटिंग मिक्स. नाउ डिफरेंट एलिमेंट्स, यही मेन एलिमेंट्स हैं इसके चार, लाइक प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन. आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना चाहिए. फर्स्ट, आइडिया जनरेशन. ओके, एक आइडिया जनरेट होता है कि यस वी वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट. देन स्क्रीनिंग ऑफ द आइडिया, आइडिया को स्क्रीन करते हैं कि वेदर वी शुड प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट और नॉट. एंड देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, एनालिसिस होता है, टेस्टिंग होते हैं, कमर्शियलाइजेशन, उसकी लॉन्चिंग होती है मार्केट में, एंड उसके बाद में उसकी वैल्यूएशन, फीडबैक कलेक्ट की जाती है कि हाउ द प्रोडक्ट परफॉर्म इन द मार्केट. तो ये सारे प्रोसेसेस को आपको डिफाइन करना है. आगे जो बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ यू नो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इसके बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियो भी इसका बनाया हुआ है, तो वहाँ से आपको देखना चाहिए. बेसिकली यू नो एक प्रोडक्ट चार स्टेज से पास करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड यू नो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट को. उसके बाद में वो ग्रो करता है, उसकी सेल्स ग्रो करती है, एंड ए स्टेप कम यू नो जहाँ पे उसको मैच्योर्ड हो जाता है, एंड लास्टली इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, एंड धीरे धीरे
the product gets declined or dead. तो लाइक दैट यहाँ पे मैंने इसका एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए. सो ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. अगर एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन तो आपको ये सब डायग्राम फ्लो चार्ट जरूर बनाने चाहिए, सो दैट इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन एग्जामिनर्स माइंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. And this is also popularly known as MIS system. और इसके main क्या components हैं वो भी देखना है. Now, MIS may be defined as the process by which data from the market environment is collected, analyzed, evaluated, and transformed to make it useful for the management of a company. It consists of people, equipment, and procedures to gather information and supply it to the management to take effective decisions. So this is nothing but you know to collect information and supply it to the management. Or information sari market se collect karenge, all the market related information, so that you know the management can take important decisions on the marketing strategies. To inko ek ek karke aapko define karna hai. And you know iske kuch main components hain, like you know internal reporting system, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम, तो लाइक दैट. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन MIS एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आता है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड मार्केट पोजिशनिंग, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. तो यहाँ पे इन तीनों का आप डेफिनेशन लिख के उनको इंटर रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑन मार्केट टारगेटिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर्स ऑन हाउ टू टारगेट डिफरेंट मार्केट्स. मार्केट टारगेटिंग का मतलब होता है यू नो लाइक यू नो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग कंज्यूमर्स और टारगेटिंग द मार्केट एरियाज जो आपको कैप्चर करने हैं, ठीक है. And it is very important for a company to know the taste preferences, standard of living, income of the consumers. And for this consumer, generally the company does this thing, market targeting. Then the different procedures of marketing, market targeting. These are concentrated marketing, differentiated marketing, undifferentiated marketing, and choosing a product. तो इस तरीके से एक company अपनी यू नो मार्केट को टारगेट करती है. ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड पोटेंशियलिटी ऑफ द मार्केट टारगेट. लाइक हाउ ए कंपनी कैन फाइंड कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट इज देयर, ठीक है. तो मेनली ये पांच फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करती है कंपनी, लाइक यू नो सेगमेंट साइज, मेजरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, एक्सेसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. तो ये सारे पॉइंट्स को लेके आपको डिफाइन करने हैं. एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस का डेफिनेशन मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. लाइक यू नो सर्विसेज आर इनसेपरेबल, दे आर हेट्रोजीनियस, दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, यू कैन नॉट ओन देम, नो ओनरशिप, सर्विसेज आर पेरिशेबल एंड देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग द सर्विसेज. सो लाइक दैट यू कैन डिफाइन ऑल दिस. आगे बढ़ते हैं. डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स यू शुड कीप इट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट. तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. एंड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस द कंपनी जनरली यू नो कंसीडर ऑल दीज सिक्स फैक्टर्स, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटर्स प्राइस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस. तो ये चारों यू नो दिस ऑल दीज सिक्स पॉइंट्स यू शुड एक्सप्लेन इन योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. एंड दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ए प्रोडक्ट. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको आपको जरूर से प्रिपेयर करके ही एग्जाम में जाना है. दैट इज यू नो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग. इसके अंदर प्राइस स्कीमिंग, मार्केट पेनेट्रेशन, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग एंड ज्योग्राफिक प्राइसिंग. इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था, आपको इसकी डिटेल्स एक्सप्लेन किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ये डिफरेंस भी आता है एग्जाम्स में बहुत बार। देन आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, स्टेट द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक्स इन मार्केटिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू प्लानिंग, डिलीवरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ फिजिकल गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, राइट। लॉजिस्टिक का मतलब ही होता है ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। नाउ इट इन्वॉल्व्स गेटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस। सो दिस इज व्हाट मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। यहीं से आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। इसके मेन जो फंक्शंस हैं दैट इज प्रोडक्ट डिलीवरी, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, यूटिलिटी। मेन ऑब्जेक्ट होते हैं यू नो इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। इसके अंदर भी यू नो बहुत टाइप के सर्विसेज आते हैं जैसे प्रमोट क्विक डिलीवरी, इफेक्टिव वेयर हाउसिंग सिस्टम, ऑप्टिमम स्टॉक और इन्वेंट्री। तो लाइक दैट इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन पर्सनल सेलिंग। ये हम लोग क्लास 11-12 में भी पढ़ चुके हैं। एक सेल्स पर्सन सेल करने के पहले क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करता है, लाइक यू नो सबसे पहले तो प्रिपरेशन करता है सेल के लिए, देन प्रोस्पेक्टिंग, देन प्री अप्रोच, देन अप्रोच, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो अप एक्शंस। तो इस तरीके से वो एक सेल्स पर्सन 8 फंक्शंस परफॉर्म करता है बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके शेयर किए थे एक्सप्लेनेशन। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू वॉच दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल सिस्टम अप्रोच एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ओके, नाउ देखते हैं ये सिस्टम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच चीज़ क्या है। इट इज़ एन टोटल सिस्टम अप्रोच में यू नो इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एज ए पार्ट ऑफ होल मार्केटिंग। एंड टोटल कॉस्ट में यहाँ पे टोटल कॉस्ट को मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड लाइक दैट यू नो यू कैन एक्सपैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इसको आपको डिफाइन करना है। देन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। नाउ हियर दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर दैट नॉट टू सेल द प्रोडक्ट बिलो ए स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है। और ये किया जाता है जनरली यू नो टू स्टॉप्स द रीसेलर्स और मिडलमैन फ्रॉम डूइंग कॉम्पिटिशन टू फियर्सली। सो लाइक दिस, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई डू न्यू प्रोडक्ट्स फेल इन द मार्केट। ओके, नाउ बेसिकली इसके मेन जो रीजंस हैं मैंने यहाँ पे 9 रीजंस लिखे हुए हैं, लाइक इनसफिशियंट मार्केट एनालिसिस, क्वालिटी प्रॉब्लम्स, पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग प्रॉब्लम्स, पुअर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पुअर टाइमिंग्स ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज, रॉन्ग पोजिशनिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो लाइक दैट यू कैन डिफाइन वन बाई वन। द नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट ऑन मास कस्टमाइजेशन। इसको भी आपको जरूर से देखना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन विच द फर्म प्रोड्यूसेस अ गुड और सर्विस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो कस्टमाइज सर्विस देना है आपको, इसके लिए प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स लाइक मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, देन होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। तो लाइक दैट इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। द डिफरेंट रोल्स ऑफ मिडलमैन, ये भी पढ़ना चाहिए आपको। द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द फर्म, कॉम्पिटिशन, मार्केट, लाइक दैट। अगेन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, दिस इज अबाउट चैनल कन्फ्लिक्ट एंड आइडेंटिफाई द मेन कॉजेज ऑफ चैनल कन्फ्लिक्ट एंड सजेस्ट द रेमेडीज फॉर देम। सो चैनल कन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन मैन्युफैक्चरर्स इंटरफेयर with their channel partners like dealers, agents and distributors by selling their products directly to the consumer through any other channel. तो अगर कंपनी यू नो डीलर होलसेलर को अपॉइंट करती है लेकिन बाद में यू नो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अगर गुड्स अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो दिस इज क्वाइट अनफेयर नेचुरली। तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। डिफरेंट कॉजेस, रेमेडीज, ये आपको जरूर ध्यान देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है रूरल मार्केटिंग पे, कि रूरल मार्केटिंग इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रही है एंड इसके मेन रीजंस क्या हैं, तो वो भी आपको ध्यान में देने हैं कि व्हाई दिस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको शेयर किया था। देन कम्स ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के मेन एडवांटेजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स,
डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर आया था, तो इसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए. देन व्हाट इज पैकेजिंग, इट्स सिग्निफिकेंस, लेबलिंग, इट्स इम्पॉर्टेंस, प्राइसिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजिंग, इट्स इम्पॉर्टेंस, इट्स मेरिट्स, इट्स डिमेरिट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. देन पर्सनल सेलिंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो लाइक दिस. और ये क्वेश्चन लाइक यू नो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है. मैं अपने नोट्स में कुछ 10-12 क्वालिटीज लिखे हैं. देन व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, डिफरेंट टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, उसके बाद में एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, इसका डिफरेंस, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लेता है. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो आपको जरूर से प्रिपेयर करने हैं बिफोर गोइंग टू गिव MCO 06 एग्जाम्स. ओके, एंड इफ यू विश टू बाय माय दिस स्टडी नोट्स, बिकॉज वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना यू नो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, तो आप बाय कर सकते हैं. And best of luck for the examination. Thank you very much for watching the video.